नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी को गुजरात में ज़बरदस्त झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी के चीफ की गिरफ्तारी हो गई, यानी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और इसको लेकर राघव चड्ढा किस तरीके से हमलावर हो रहे हैं दर्शकों, मैं आपको दरअसल सुनाना चाह रहा हूँ। और यही वजह है कि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का सुपरा साफ होता नज़र आ रहा है। जब से मोदी जी की एंट्री हुई है, केजरीवाल थोड़ा सा परेशान होते नज़र आ रहे हैं। देखिए राघव चड्ढा किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं। ये इस भावनगर ज़िले ने सिर्फ गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत देश को बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें दी, बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान लोग दिए। आज भी आज की सरकारों की अगर बात करें तो गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री हो या भारत सरकार केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो, वो सारे मंत्री भावनगर की धरती से आते हैं। भावनगर की धरती ने, भावनगर के लोगों ने गुजरात को और भारत देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये अफसोस की बात है कि भ्रष्ट नेताओं ने और भ्रष्ट सरकारों ने भावनगर और भावनगर के लोगों को नहीं दिया कुछ। बड़ी दुख की बात है कि हम शिक्षा मंत्री के अपने इलाके में मौजूद हैं और यहां पर स्कूलों की हालत पिछले 27 सालों में बद से बदतर हो गई। अस्पताल के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर यहां लोगों के साथ मजाक होता है। बिल्डिंग दूर से जरूर नजर आती है सरकारी अस्पताल की, सिविल हॉस्पिटल की, पर ना अंदर डॉक्टर मिलता है, ना दवाई मिलती है, ना नर्स मिलती है, ना बिस्तर मिलता है, और कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी का भी इलाज कराना हो तो अहमदाबाद की ओर या राजकोट की ओर भागना पड़ता है। ये आज भावनगर के हालात हैं। इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े नेता देने के बाद कम से कम सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए थी भावनगर में, ये मैं सोच रहा था। मैं भी बड़े लंबे समय बाद आज भावनगर आया हूं, करीब करीब 10 साल बाद, और मैं बताना चाहता हूं कि यहां सड़कें 10 साल पहले तो खराब थी, आज उससे भी ज्यादा खराब हालत में सड़कें, गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं, सड़क कम नजर आती है, जंगली पशी पक्षु पूरे सड़क पर घूमते रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हर चीज में भावनगर के लोगों के साथ मुझे लगता है एक छलावा हुआ। और दुख की बात है कि बड़े बड़े मंत्री बनकर यहां से लोग चले गए, लेकिन अपने जिले के बारे में, अपने घर के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। मेरा पहले भी ये कहना था, मेरा आज भी ये कहना है कि भाजपा की 27 साल की अहंकारी सरकार ने सौराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बनाया, जिसे अरविंद केजरीवाल जी सुनहरा स्वराष्ट्र बनाएंगे, और सौतेले स्वराष्ट्र से सुनहरे स्वराष्ट्र, भाजपा के सौतेले स्वराष्ट्र से अरविंद केजरीवाल जी के सुनहरे स्वराष्ट्र की जो यात्रा है, उस यात्रा में स्वराष्ट्र के एक एक आदमी का हिस्सा मांगने, विनती करने आज मैं आया हूं। आज पूरे स्वराष्ट्र के एक एक शख्स को पूरी मेहनत से आम आदमी पार्टी के साथ लगना होगा, और पूरे गुजरात में जहां परिवर्तन की बात हो रही है, उस परिवर्तन की जंग में सबसे आगे स्वराष्ट्र को चलना होगा। अपने वोट की ताकत से ये मेरा विश्वास है कि स्वराष्ट्र के लोग सौतेले स्वराष्ट्र से सुनहरे स्वराष्ट्र तक आएंगे और आम आदमी पार्टी को एक मौका अवश्य देंगे। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गुजरात सरकार का सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि हर साल गुजरात सरकार अस्पताल बनाने पर, सड़क बनाने पर, स्कूल बनाने पर, डिस्पेंसरी बनाने पर, फ्लाईओवर बनाने पर,
हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर सब पे कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चती है। मैं भावनगर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अब तक 2.5 लाख करोड़ का कोई हिस्सा पहुंचा? क्या आपको धेला भी मिला? अगर आपको 2.5 लाख करोड़ जो खर्च होता है उसका धेला भी नहीं पहुंचा, तो कौन वो नेता है जो आपका पैसा निगल गए? कौन वो लोग हैं जो आपका पैसा डकार गए? गुजरात की कुल आबादी 6.5 करोड़ है, सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़, 6.5 करोड़ आबादी, यानी कि अगर प्रति व्यक्ति खर्च की बात करें तो गुजरात सरकार कागजों पे हर साल प्रति व्यक्ति 38,000 रुपये खर्च करती है। हर गुजराती के लिए 38,000 करोड़ की सहूलतें, सुविधाएं हर साल गुजरात सरकार कागजों पे थियोरेटिकली देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 38,000 करोड़ आप तक पहुंचे? किसी तक नहीं पहुंचे। ये विश्वासघात विकास के नाम पर गुजरात सरकार ने आप सबके साथ किया है। अब 27 साल की अहंकारी सरकार को पीछे छोड़ बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए 6.5 करोड़ गुजरातियों को अपने हक और अधिकार के लिए साथ आना होगा और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना होगा। दिल्ली में 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार का शासन दिल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंका और एक नई नवेली, छोटी सी गरीब आदमी आम आदमी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को मौका दिया। आज दिल्ली के लोगों को उस मौके, जो एक मौका उन्होंने दिया, उसकी बदौलत मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, 24 घंटे बिजली, शानदार वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्कूल्स, विश्व स्तरीय इलाज, ऑपरेशन, दवा दवाई मुफ्त में, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त मंदिर के दर्शन, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को इसलिए मिली क्योंकि दिल्ली के लोगों ने पुरानी पार्टियों को छोड़कर परिवर्तन को चुना। तो आज परिवर्तन के लिए मैं भावनगर की इस ऐतिहासिक धरती से आप सब से झोली फैलाकर ये मांगता हूं कि आप सब परिवर्तन के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखें, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका देकर देखें। अगर हमारी सरकार पसंद नहीं आई तो 5 साल बाद हमें वोट मत देना, लेकिन एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देकर देखिए। गुजरात सूबा, जो आज का गुजरात है, ये जब से बना तब से लेकर आज तक 35 साल गुजरात में कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल भाजपा की सरकार रही। जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, 27 साल भाजपा को दे दिए, तो 5 साल तो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को देना बनता है ना। तो 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को एक मौको केजरीवाल ने देकर देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके गुजरात का भविष्य फिर से सुनहरा होगा। ये हमारा वादा है आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि राघव चड्ढा किस तरीके से जो है बीजेपी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल जो है किस तरीके से इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। दर्शकों, हमारे आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये हुआ क्यों है, ये कैसे हुआ है और ये होने पर क्या कुछ हो रहा था। आपने देखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले पूरी ताकत लगाए थे, लेकिन जब से अमित शाह जी और पीएम मोदी की एंट्री हुई है, केजरीवाल की हवा जरूर निकल गई है। यही वजह है कि आज उनके जो चीफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे, उनके भी हिरासत में ले ली गई, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। देखता होगा कि अब केजरीवाल इस पर क्या कुछ कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पिन न्यूज़। नमस्कार।